हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अभी करंटली मैं हूँ दिल्ली में और यहाँ से हम सीधा जाएंगे बस स्टैंड और वहाँ से आपको बताते हैं कि हम कहाँ आगे चल रहे हैं। अभी हम पहुँच गए हैं बस स्टैंड में, ये बस जो हमें लेके जाएगी ऋषिकेश। अभी मैं पहुंचा हूं ऋषिकेश में एंड मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ धाम के दर्शन करने। आपको आराम से ऋषिकेश या हरिद्वार की बसेस मिल जाएंगी दिल्ली या कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो। अभी टाइम हो रहा है 5:30 एंड यहां से अभी मैंने डायरेक्टली बस ली है रौनप्रयाग की, जो लगभग आपको 500 रुपये की पड़ेगी, जो आपको अराउंड 3-4 बजे तक ओरिकुंड पहुँचा देगी। अभी यहाँ पर करंटली बारिश हो रही है, होप कि वहाँ पे जाके हमें बारिश ना मिले क्योंकि बारिश होने के कारण रास्तों में लैंडस्लाइड होने के भी डर ज़्यादा रहते हैं, तो होप फॉर द बेस्ट। थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे बस रुकी है, जस्ट 2 घंटे का रास्ता हुआ होगा, बारिश कंटिन्यूसली हो रही है तो दैट्स व्हाई लैंडस्लाइडिंग हुई पड़ी है पूरे रास्ते में। एक बज रहे हैं एंड अभी हम हैं रुद्रप्रयाग के पास, यहाँ पे हम लंच करने के लिए रुके हैं, तो लंच खाने के बाद हम निकलेंगे, ये हमारा लास्ट स्टॉप है बस का। तो ये है ढाबा जहाँ पे हम खा रहे हैं खाना। अभी हम अपने डेस्टिनेशन से 50 किलोमीटर दूर हैं बट यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है, ये 1 किलोमीटर लंबा जाम होगा। और पीछे देखिए, पीछे तक है जाम। आखिरकार 2 घंटों के बाद जाम ख़त्म हुआ है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, तो मे बी 7 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। तो आखिरकार हम पहुंच गए सोनप्रयाग, टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं। बस जो है आपको सोनप्रयाग तक ही उतारेगी, उसके आगे आपको टैक्सी करनी पड़ती है जो अराउंड आपसे 30-40 रुपये लेती होगी आगे जाने के लिए, जो आपको गोरीगुंड लेके जाती है। यहाँ पे अभी मैं रूम ढूंढ रहा हूँ, सुबह हम टैक्सी लेके चलेंगे आगे। हेलो फ्रॉम सोनप्रयाग Day 2। मैंने सोचा था कि मैं सुबह 4-5 बजे उठ के यहाँ से निकलूँगा बट पूरी रात यहाँ पे बारिश हुई है। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, अभी थोड़ी बारिश रुकी है तो मैंने यहाँ से निकलने का प्लान किया है। इतनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलूँगा, कैब लेके गोरीकुंड में वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करूँगा। रात को मैं यहाँ पे डोमेट्री में रहा था, जो पर पर्सन आपको 200 पड़ेगी। यहाँ पे अभी बहुत भीड़ थी, रैच हुआ है, यहाँ पे रूम मुश्किल से मिल रहे थे लोगों को और लगभग 2000 से 3000 में रूम पड़ रहा था। बट अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप डोमेट्री ले सकते हैं। ऑनलाइन आप 4 धाम वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर वो करना आप भूल गए हैं तो यहाँ पे ही आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने को मिल जाएगा, बट मैंने किया हुआ था तो मुझे करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। इवन अगर आप आते हैं तो सोनप्रयाग में यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट जितना मैंने सुना है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है क्योंकि कोई चेक करता नहीं है, बट स्टिल आपसे इस साइट के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
यहाँ पे एक आपको ब्रिज मिलेगा सोनप्रयाग में। इस ब्रिज को पार करने के बाद आपको टैक्सीज मिलेंगी जो आपको गोलकुंडा तक ले जाएगी।